नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पेशकश तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण दी लल्लन टॉप का एक खास इनिशिएटिव है विदेश में बसे भारतीयों के लिए, जहां आकर वो अपना ज्ञान, अपने एक्सपीरियंसेस भारतवासियों के साथ साझा कर सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण में आज मौजूद है चैतन्य भंडारे जी, जो जापान के क्योटो शहर में रहते हैं। चैतन्य भंडारे जी मियाको एक्वा लैब के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ वो एक खास तरह का क्लीनलीनेस इनिशिएटिव भी चलाते हैं जापान और भारत दोनों में। आज उनसे हम उसी इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। चैतन्य भंडारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेरा तुझको अर्पण में। धन्यवाद। आपने मेजू इंडिया जापान फेस्टिवल, जो फ्रेंडशिप फेस्टिवल है, वो ऑर्गेनाइज करवाया था। क्या कॉन्सेप्ट था उसका, कैसे ये शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री अगर आप बताएं। ओके, एक्चुअली जापान आने से पहले मुझे जापानीज का मतलब कोई नॉलेज नहीं था। मुझे भी वही एक वर्ड पता था जो हम सबको पता है, सायोनारा, क्योंकि हमने वो लव इन टोक्यो मूवी में सुना है गाना। और मेरा रिसर्च था मरीन फिशरीज पे, मतलब तो मैं कोस्टल टाउन में रहता था, बहुत ही छोटा सा टाउन, जहाँ पे मैं मतलब इंडियन तो कोई था ही नहीं, बट फॉरेनर्स भी ऑलमोस्ट नहीं होंगे उस सिटी में। तो वहाँ के लोगों ने वहाँ पे मुझे मतलब शुरुआत से बहुत सपोर्ट किया, मुझे एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट किया उन्होंने। वो मतलब इंग्लिश पढ़ते थे और मेरे से बात करते थे बहुत सारे लोग, और एज अ फैमिली मेंबर रखा उन्होंने मुझे। और जो जापान की एवरेज पॉपुलेशन है, एवरेज एज जो है, वो बहुत ज्यादा है। तो मैजूरू शहर में भी ऐसा ही था, सभी ऑलमोस्ट मतलब दादा दादी ज्यादा थे वहाँ पे। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी मतलब इसी एज के थे। तो इन 3 साल के बाद मतलब एक थैंक्स गिविंग मैं देना चाहता था उनको, उनके लिए कुछ जो कृतज्ञता है कुछ दर्शाना चाहता था उनको। और मैं सोच रहा था कि मतलब क्या कर सकते हैं हम। तो तब मतलब तब दिमाग में आया कि अगर हम कोई इंडियन फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो इनको इंडिया के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और जो मेरा देश है, मेरे देश की सभ्यता जो है, उसका खान पान है, उसका अदर, उसका म्यूजिक है, उसके डांसेस है, तो उनके बारे में भी उनको पता चल जाएगा। और ये एक थोड़ा सा, छोटा सा क्यों ना, पे बैक, एक थैंक्स गिविंग रहेगा उनके लिए। और जो मेरा देश है भारत, और जहाँ पे मैं यहाँ रहता हूँ, तो इन लोगों के बीच में भी एक फ्रेंडली बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, मतलब ये फीलिंग थी उसके पीछे माइजर इंडो जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के पीछे। और लेकिन वहां पे जैसे मैंने बोला, इंडियन तो मैं अकेला ही था पूरे में, और जापान बहुत एक्सपेंसिव देश है। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करना है तो आपको बहुत मतलब ज्यादा पैसा लगता है उसको करने के लिए। तो मैंने फिर वहाँ के जो प्रतिष्ठित नागरिक होते हैं उस शहर के, मैंने उनको इकट्ठा किया, उनको मैंने मतलब सबको एक साथ बुलाया, एक दिन एक टाइम एक जगह पे। मैंने बोला मुझे आपसे बात करनी है, और मैंने सबको बताया कि मेरा मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरी आइडिया क्या है, और सभी राजी हो गए। और फिर उन्होंने मतलब फाइनेंशियली और सोशली, फिर इवन ग्राउंड वर्क पे भी मुझे काफी सपोर्ट किया। एक बात निकल कर आती है, आप जापान में इतने साल रहे हैं और आप, हमने आपके क्लीनलीनेस जो इनिशिएटिव है उसके बारे में भी पढ़ा समझा जाना है, तो वो किस चीज ने, वो क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको ये करने के लिए इंस्पायर किया, और क्या इस मिजोरम इंडिया इंडो जापान फेस्टिवल का उस क्लीननेस ड्राइव जो आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं हर साल, इंडिया में भी कराते हैं, जापान में भी है, तो उससे उसका कोई रिलेशन है क्या, वो वहीं से कुछ आइडिया निकला, क्या उसकी हिस्ट्री है? एक्चुअली उस फेस्टिवल के बारे में और एक बात ये है कि ये फेस्टिवल होने वाला था अप्रैल 12th और 13th अप्रैल को 2011 में। लेकिन आपको पता होगा 2011 के मार्च 11 को जापान में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ, फिर सुनामी आई, फिर वो जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और हजारों लोगों की डेथ हो गई। तो हमको उसको 1 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ा,
2012 में, हम्म, और 2012 मतलब संयोग से भारत और जापान का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो राजनीतिक संबंध है, तो उसकी 60th एनिवर्सरी थी, 60वीं सालगिरह थी। तो दोनों दोनों देशों में इसके सेलिब्रेशंस हो रहे थे गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन मतलब नॉन गवर्नमेंट लेवल पे या आम आदमी जो सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा एक ही फेस्टिवल था दोनों देशों में जो ये सेलिब्रेट हम करना चाहते थे। और तब वहाँ के हमारे मतलब जो इंडियन कॉन्सुलेट है ओसाका के, वहाँ पे कॉन्सुल जनरल थे विकास स्वरूप सर, अभी वो शायद कनाडा के हाई कमिश्नर है। और आपको पता होगा वो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी जो है, वो हम्म, उसके राइटर भी वही है विकास स्वरूप, तो उन्होंने काफी इसमें मदद की। और फिर भारत से भी औरंगाबाद शहर के जो महापौर हैं, महापौर थे उस समय के, और एक डेलीगेशन मैंने बुलाया था यहाँ पे। तो फिर और जो जापान के लोकल लोग भी जो है इंडियन मूल के, वो सभी पार्टिसिपेट हुए थे। तो मतलब बहुत ही अच्छे सेलिब्रेशन रहा एक वो। और जैसे आपने पूछा वो क्लीनलीनेस के बारे में, तो ये हमारा सेलिब्रेशन तो हो गया अप्रैल में। फिर उसके बाद एक्चुअली मैसूर में जो इंडियन फेस्टिवल हुआ था, उसके लिए मैंने 60 लोगों को मतलब सेलेक्ट किया था। उन्होंने वॉलंटियर सामने आए थे कि हम आपको हेल्प करेंगे, इस 60 जापानीज लोग फेस्टिवल में हेल्प करेंगे। और 5 दिन का फेस्टिवल था, तो हर दिन लगभग 12 लोग हेल्प करने आते थे मुझे। और फिर मतलब ऑब्वियसली इतना उनका इतना सारा सपोर्ट था, और इसी के वजह से सक्सेसफुल हो पाया। तो फिर बात आई कि अपने भारत में भी कुछ करेंगे हम। जो डेलीगेशन आया था उनके साथ भी बात हुई मेरी, तो हम एक काम करते हैं, भारत में भी हम ऐसा ही फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं और जापानीज लोगों को इनवाइट करते हैं उधर आने के लिए। फिर अगस्त के 26 अगस्त को फाइनल हो गया, वो डेट फाइनल हो गई। फिर उसके बाद मैं सोच रहा था कि नॉर्मली क्या होता है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में, जैसे उच्च स्तरीय लोग जो होते हैं, जैसे कॉन्सुलेट लेवल के या मेयर या फिर जो बोलते हैं ना एक जो मिनिस्टर्स हो गए, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं, और जो आम आदमी है उसको उससे कुछ लेना देना नहीं होता है इन बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल से। तो मैं सोच रहा था कि जो आम आदमी है वो भी किसी तरह इसमें शामिल हो, ताकि ये सच में इंडो इंडिया जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल बनेगा। फिर जो क्लीनलीनेस है, मैंने एक्चुअली जापान में कुछ चीजें हैं जिससे ना मतलब मैं सिर्फ इम्प्रेस नहीं हुआ बल्कि इंस्पायर भी हुआ हूँ। और उसमें दो चीजें हैं, एक है उनकी पंक्चुअलिटी, जो समय की पाबंदी जो है, और दूसरा है क्लीनलीनेस। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हुआ था एक वीडियो। एक ट्रेन थी टोक्यो में, तो उस ट्रेन ड्राइवर ने गलती से 25 सेकंड पहले ही, टाइम के पहले ट्रेन शुरू कर दी थी, हालांकि उसने चेक किया था कोई नहीं था प्लेटफॉर्म पे। तो रेलवे के हेडक्वार्टर ने अपोलॉजी ये की थी, अनाउंस की थी उनकी फॉर्मल अपोलॉजी कि हम 25 हमको माफ कीजिए, हमने 25 सेकंड पहले ट्रेन छोड़ दी यहाँ से। तो ये एक उनकी समय की पाबंदी है। लेकिन दूसरी जो बात है वो है स्वच्छता। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, स्कूल के स्टूडेंट्स, हर स्कूल में अपनी स्कूल खत्म होने के बाद जो जैसे रिंग बजती है उनकी, तो पूरा स्कूल अपन साफ करते हैं, अपना अपना क्लासरूम साफ करते हैं और घर जाते हैं। और बहुत सारे जो लोग भी हैं उनके मतलब जब उनके पास टाइम रहता है तो बाहर निकल के आते हैं, और जो भी दिखता है उनको, कचरा तो नहीं दिखता है नॉर्मली, जो पेड़ के पत्ते पड़े होंगे या फिर कुछ कागज के टुकड़े होंगे, तो उसको साफ करते हैं। तो ये बातें मैं पहले से ही देखते आ रहा हूँ मतलब इन जापान में। तो
जैसे इंडिया में भारत में जो इंडो जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज करने की बात आई, फिर आम आदमियों को उसमें पार्टिसिपेट करवाने की बात आई, तब अचानक मेरे दिमाग में आया कि अगर हम भारत में, अगर शहर में महास्वच्छता अभियान चलाते हैं तो किसी न किसी तरीके से क्यों ना हो लोग भी इस पे पार्टिसिपेट, उनका पार्टिसिपेशन रजिस्टर हो जाएगा। तो फिर ऐसा तय हुआ कि 26 तारीख को तो इंडो जापान इंडिया जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल रहेगा, लेकिन एक दिन पहले हम शहर में महास्वच्छता अभियान चलाएंगे। और ये आपने और औरंगाबाद से शुरू किया था, ये औरंगाबाद में हुआ था? शहर की यस। जी फिर नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मतलब ऐसा कुछ बड़ा इवेंट करने की बात आती है तो अगर हमने लोगों को बोल दिया हमको 25 तारीख को क्लीनलीनेस ड्राइव चलाना है तो काफी सारा कंफ्यूजन रहता है उसमें। तो मैंने ऐसी प्लानिंग की कि लोगों को ज्यादा सोचना ना पड़े, वो सिर्फ फॉलो करे उसको। तो ऐसा तय किया कि 25 तारीख को दोपहर को 11 बजे शहर के हर हर वार्ड में सायरन बजेंगे और आप जहां भी रहेंगे आपको सिर्फ 30 मिनट आपके आसपास का 10 मीटर का एरिया साफ करना है। अगर आप घर पे हैं तो घर साफ करेंगे, अगर आप ऑफिस में ऑफिस साफ करें, अगर रास्ता है तो रास्ता साफ करें, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। और इस प्लान में जो लोकल मीडिया है जी जैसे न्यूज़पेपर्स और रेडियो और जो लोकल न्यूज टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने भी बहुत इसमें मतलब योगदान दिया, बहुत ही कॉपरेट किया और एक काउंटडाउन चला रहे थे वो कि 5 दिन बाकी है, फिर 4 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, ताकि लोग ना भूले। ओके और फिर एग्जैक्टली 11 बजे ये सायरन बजा और मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे स्कूल के, उनका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा था और सिर्फ आधे घंटे में लगभग 800 टन कचरा जमा हुआ, कलेक्शन हुआ। बहुत कचरे की समस्या है फिर तो अगर ऐसा, कितने आपने कितना समय बताया, आधे घंटे में इतना? एक शहर की हम बात कर रहे हैं और एक मतलब सभी लोगों ने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया होगा, तो बहुत है समस्या, आप देख सकते हैं जो उसका लेवल है जो काफी है। जी एक्चुअली बड़े शहरों में जैसे मतलब औरंगाबाद शहर की लोक संख्या तो जैसे 15 लाख के आसपास है, तो नॉर्मली डेली का कचरा जो है 1,000 टन के आसपास निकलता है हर जगह पे, हर शहर में, मतलब इस लेवल के शहर में। और स्पेशली अगर इतने सारे लोग, लगभग तब अनाउंसमेंट हुई थी कि लगभग 4 से 5 लाख लोग उन्होंने किसी ना किसी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है, दूसरे दिन अनाउंसमेंट हुई थी इसकी। जब इतने सारे लोग एक साथ निकलते हैं तो अभी तक जो कचरा सिर्फ पड़ा था महीनों, वो उस पे भी नजर जाती है। और फिर और हाँ, इसमें मतलब जो लोकल इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने भी बहुत हेल्प की इस कचरा कलेक्शन के लिए लगने वाले बैग्स, फिर उसके बाद जो साधन सामग्री होती है जैसे चिमटे होते हैं या फिर जो दूसरे झाड़ू होते हैं, इस टाइप की जो भी चीजें थी इंडस्ट्रीज ने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी, उनकी पूरी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम थी वो टीम की टीम लगा दी थी इसके पीछे। तो बहुत एक कलेक्टिव एफर्ट था और बहुत सक्सेसफुल रहा। तो ये आप औरंगाबाद में 5 सालों से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, चल रहा है ये? क्या हाल के सालों में हुआ है ये? एक्चुअली 2012 के बाद लगभग 5 साल हमने कंटिन्यू किया इसको और उसके बाद मैं नहीं गया जा पाया था, बट कॉरपोरेशन ने इसको चलाया। और एक्चुअली क्या हुआ था, 2012 में जब ये जब पहला क्लीनलीनेस ड्राइव अनाउंस हुआ था तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया था वहां के मेयर को कि ठीक है, इस साल तो ये 60th एनिवर्सरी है इसलिए इवेंट हो रहा है और ये ड्राइव भी चल रहा है, लेकिन अगले साल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम 25 अगस्त को सिटी क्लीनिंग डे डिक्लेयर करते हैं, ताकि मैं भले ही वहां आऊं या ना आऊं या इवेंट रहे ना रहे ये चलता रहे वहां पे हर साल। और लेकिन उसके अगले 4 साल मतलब लोगों को फिर से रिमाइंड कराने के लिए मैं जाता था और जापानीज वॉलंटियर्स मेरे साथ ले जाता था और उसके मतलब
8 दिन पहले से ही हर स्कूल में जाके और हर ऑफिसेस में बहुत जगहों पे मैं लेक्चर देता था। हमारी टीम वहां पे बोलती थी, लोगों को इंस्पायर करती थी इस इवेंट के लिए। तो 5 साल किया, उसके बाद कॉरपोरेशन ने भी किया, और उसके बाद फिर हाँ, इसमें एक बात और क्या हुई अच्छी बात जो है, जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि ऐसे ऐसा कुछ हो कि बहुत सारे लोकल ग्रुप्स वहां पे उभर गया है। फिर उन्होंने मतलब अपना अपना ग्रुप बनाया और वो क्लीनिंग करते थे। उसके बाद फिर मैं 2018 और 19 में नहीं जा पाया। एक्चुअली 19 में जाना था, लेकिन फिर कोरोना स्टार्ट हो गया वो 19 एंड, दिसंबर से ही। जी। हाँ मतलब जापान में तो ऑलरेडी वो काफी कुछ शुरू ही हो रहा था, मतलब कोरोना नहीं था, बट 2019 में नहीं जा पाया मैं। लेकिन 20 की प्लानिंग चल रही थी 2019 के फेब्रुआरी से ही। वो तो कोरोना ने हर प्लान ही चौपट कर दिया हर किसी का ही, वो तो खैर। जी तो इसलिए फिर लेकिन अभी कोरोना खत्म होने के बाद अभी एक नए सिरे से फिर से शुरू करना है, तो प्लानिंग काफी चल रही है। अभी काफी साल का एक्सपीरियंस है, तो जो जो, जो छोटे मोटे हर्डल्स होते हैं, जो प्रैक्टिकली जो डिफिकल्टीज आती है, वो सारी लिस्ट ही बनी है मेरे पास, जो बाकी लोगों को नहीं पता है। जो देखा है, फील किया है, उसको फेस किया है, तो वो सभी प्रॉब्लम्स को सामने रख के उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। और जैसे कोरोना खत्म होता है, फिर से भारत में महास्वच्छता अभियान चलाना है। जी, ये कमाल का इनिशिएटिव है। इसके बारे में सुनकर ऐसा लग रहा है कि और अगर शहर, मतलब मैं ये सवाल आपसे पूछने ही वाली थी कि क्या और औरंगाबाद के सिवा के बजाय और भी बाकी शहर हैं जिनमें आप ये सब प्लान कर रहे हैं, कुछ और बात हुई है, क्या क्या चल रहा है इंडिया के और शहरों के बारे में? एक्चुअली इंडिया के मुझे लगता है हर शहर में कचरे का प्रॉब्लम है अभी, जी और इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है इंडिया में। क्योंकि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ज्यादातर शहरों के, मुझे लगता है ज्यादातर शहरों के, कुछ होंगे भी इक्विप्ड होंगे, लेकिन मुझे लगता है वेल इक्विप्ड नहीं है। अगर वेल इक्विप्ड है तो वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं वो प्रॉपरली, उनको मेंटल ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मेंटल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी जो होती है वहाँ पे कचरा कलेक्शन की या फिर कचरा डिस्पोज करने की, तो जो पूरे शहर का जो डेली लोड निकलता है, कचरे का जो कचरा निकलता है पूरा, उसको हैंडल टैकल करने के लिए कॉरपोरेशंस मुझे नहीं लगता इतनी सारी कैपेबल है। तो जो कॉमन लोग है, आम आदमी जो है, उन्हीं को सामने आना पड़ेगा। और एक्चुअली 3 साल पहले मैंने फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स बनाए थे, बना के रखे हुए हैं अभी भी, जैसे पुणे सिटी क्लीनिंग इवेंट और चेन्नई और बेंगलोर, और मैं चाहता था कि लोग वहां पे थोड़े थोड़े जुड़े, और फिर हर बड़े शहर में, फिर उसके बाद उस बड़े शहर के आसपास पड़ोस के छोटे शहरों में भी इसको इस तरीके के ड्राइव जो है उनको किया जाए। और वो मेरा एक लाइफ टाइम ड्रीम है, जब तक मैं हूँ तब तक उसके बारे में करता रहूंगा मैं। और थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, आगे बढ़ रहा है, स्पीड बहुत ही कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत के हर शहर में लोग खुद से सामने आए, वॉलंटियरली सामने आए, और इस तरीके के क्लीनिंग ड्राइव चलाए। चैतन्य जी, अगर आपका जो ये पूरा इनिशिएटिव है, इसके साथ मान लीजिए किसी शहर का जो शहर के लोग हैं और ये ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, तो वो आपकी जो ये इनिशिएटिव उससे कैसे जुड़ सकते हैं? कुछ कुछ प्रोसेस होती है, पार्टिसिपेशन प्रोसेस होती है, या फिर दे जस्ट हैव टू टेल यू? कैसा कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? एक्चुअली जो सिटी क्लीनिंग ड्राइव्स होते हैं जी उनमें मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमको करना क्या है। सबको सबको करना है, सबको पार्टिसिपेट करना है, लेकिन करना क्या है इसमें काफी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। जी मैंने देखा है बहुत बार लोग जो है
सिर्फ झाड़ू लेके निकलते हैं और सिर्फ इधर का कचरा उधर कर देते हैं। मैंने काफी बार देखा है, और मतलब उनमें इच्छा है, उनमें करने की इच्छा है कि मुझे कुछ करना है शहरों के लिए, लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं कि करना क्या है। तो उन लोगों के लिए एक काइंड ऑफ मैनुअल रहना बहुत जरूरी है। जी और जैसे क्योतो शहर है, हम भी यहाँ पे क्लीनलीनेस जो क्लीनिंग ड्राइव्स है वो चलाते हैं। जैसे मतलब मेरे शहर में, क्योटो शहर में भी चलता है। यहाँ पे एक मैनुअल फिक्स है, एक सबको पता है कि क्या करना है। जैसे हमारे क्योटो शहर में ये होता है कि हम वीकली एक जगह पे जमा होते हैं, मतलब हर सैटरडे को सवेरे 6 बजे हम इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद सब लोग सर्कल में खड़े रहते हैं। ये भी एक स्टेप है उसमें, और उसमें एक लीडर होता है, वो ग्रीट करता है सबको, और फिर सबको अपने अपने रोल्स बता देता है कि तुम 3 लोग जो, तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, और तुम जो है तुम कचरा कचरे को उठा के उस बैग्स में रखोगे, और तुम झाड़ू हाथ में रखोगे, तुम उसको झाड़ू से कचरा कलेक्ट एक जगह पे करोगे, और तुम जो हो वो कलेक्ट किया हुआ कचरा वो बैग में डालोगे, और फिर वो बैग्स यहाँ पे आके रहेंगे। तो ये जो हर बार ये जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, तो इससे क्या होता है, एक आइडिया क्लियर हो जाती है दिमाग में कि हमको आज करना क्या है, और टाइम भी फिक्स होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको मतलब अभी तक कभी किया नहीं था क्लीनिंग, या फिर ऐसे वॉलंटियर काम किया नहीं था, तो बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, फिर घंटों तक तो उसमें लगे रहते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पे 40 मिनट जैसे हो जाते हैं तो फिर सब लोग जो है पैकिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने अपने जगह आना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मैंने जैसे अभी मैन्युअल बोला आपको, तो ये जो स्टेप्स है ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं अभी एक एक हमारा जापानीज में एक मैनुअल है, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के प्रोसेस में हूँ, और जब भी वो मतलब फाइनल हो जाएगा, जब तैयार हो जाएगा, तो उसको भी मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, मतलब किसी माध्यम से। पता नहीं मुझे लोगों के पास कैसे पहुंचेगा, लेकिन फेसबुक है, फेसबुक पे वो जुड़ सकते हैं। ये है प्रोसेस ये प्रोसेस में तो है। जैसा कि आपने बताया, गाइडेंस बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज चीजें और बिगड़ भी सकती हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, कचरा साफ करने के बजाय और फैला देते हैं। चैतन्य जी, बहुत अच्छा लगा कि आप ये इनिशिएटिव चला रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 2020 तो कोरोना काल में निकल गया, बहुत सारे प्लान्स बहुत सारे लोगों के इधर उधर हो गए, नहीं कर पाए, तो हम 2021 में उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये इनिशिएटिव है, ये ना सिर्फ औरंगाबाद, ना सिर्फ जापान के आपके क्योटो शहर, बल्कि पूरे भारत में लोग इससे जुड़े और अपनी तरह से एक नए कीर्तिमान बनाए। और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये बात है कि जरूरत है हमें इस तरह के इनिशिएटिव की, और शुरुआत जहां से हो, भले ही पेस स्लो हो, लेकिन एक शुरुआत हो तो सब अच्छा है। तो बहुत बहुत प्रियंश शुक्रिया जी। जी, इसमें मैं आपको एक आखिरी पॉइंट बताना चाहूंगा। जी जरूर नॉर्मली क्या होता है, सोशल एक्टिविटीज जो है जी उसमें जो पार्टिसिपेट करने आते हैं लोग, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो एक सिर्फ एक शहर के नागरिक इस हैसियत से वहां पे पार्टिसिपेट करें। जैसे हमारे शहर में हमारे मेयर है, कभी पता भी नहीं चलता है कि वो साथ में आके वहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कोई फोटोग्राफर नहीं होता है, और एक एक बहुत बड़े एक जापान में एक जिनको स्वच्छता के भगवान कहते हैं, वो एक कागेयामा हिदेसाब्रो सेंसे नाम के एक शख्स है। तो उन्होंने काफी किताब लिखी है जापनीज में। उनकी एक किताब का टाइटल है हितोत्से हीरो एबा हितोत्से दाके किरेई नी नारु, ये जापनीज है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत सारा कचरा पड़ा है, अगर आप एक भी कागज वहां से उठाते हैं तो उतना एरिया क्लीन होता है। तो ये जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा ऐसा चकाचक कर दे वहां पे।
जो इसके बाद जो भी वॉलंटियर सामने आएंगे उनको ये बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ एक शहर के नागरिक की हैसियत से वहां पे आए, उसमें फोटोग्राफी ना हो, उसमें कोई पॉलिटिक्स ना आए, क्योंकि ये जब चीजें आ जाती है तब चीजें ना ही सक्सेसफुल होती है ना ही सस्टेन रहती है। तो ये मेरा उन सभी जो वॉलंटियर्स बनने वाले हैं उनके लिए एक एडवाइस है। बहुत ही कमाल की बात की कि जब इनमें ये सब जो एक्सटर्नल चीजें हैं जो नहीं आनी चाहिए वो आ जाती हैं, तो वो अपना जो इनेट नेचर है शायद वो खो यस देती है। तो चैतन्य जी ने बहुत ये जाते जाते ये कमाल की बात हमें बता दी है। तो आशा करते हैं कि जो भी वॉलंटियर्स इस इनिशिएटिव से, चैतन्य जी के जो ये क्लीनलीनेस ड्राइव है उससे जुड़ना चाहते हैं, वो इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने शहर, अपने कस्बे, अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, तो शुरुआत कर सकते हैं। चैतन्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तेरा तुझको अर्पण में आए और हमसे तमाम बातें साझा की, और उम्मीद करते हैं 2000, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था, 2021 में फिर से आपका जो ये मुहिम है ये चालू हो और सक्सेस की नई राह देखे। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस अपने दर्शकों से इतना कहेंगे, जैसे चैतन्य जी टीटीए के माध्यम से, तेरा तुझको अर्पण के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, आप लोग भी अगर अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी अपना ज्ञान हम तक पहुंचाना चाहते हैं, दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें लिख भेजे tta.lallantop@gmail.com पर, और बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है तेरा तुझको अर्पण के बारे में वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।